नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक, दिन भर मास्टर स्ट्रोक ही चलता रहा, सियासत का, सिनेमा का, और हमने तय किया मास्टर स्ट्रोक में बार बार जिक्र करते हैं आज कौन सा मुद्दा है, कौन से चेहरे हैं। सारी चीजें सिमटती चली गई और सिमटते हुए जो तस्वीर उभर कर आई वो पांच चेहरों में निकल कर आ गई। हिंदुस्तान का अनूठा सच है, क्या कीजिएगा, हर खबर छोटी पड़ जाती है। तो आइए जरा इन पांच तस्वीरों के आश्रय इस सच को भी परख लें। सलमान खान जी जेल में है, रात जेल में ही गुजरेंगे। कल का इंतजार कर रहे होंगे, जमानत मिल जाए तो अच्छा, अन्यथा छोड़िए। कुछ और तस्वीरों को देखिए। सैफ, यह भी थे उस रात, और कहते हैं इन्हीं के हाथ में थी बंदूक, उसके बाद इन्होंने थमा दी थी जिस समय हिरण सामने आ गया। ये सारी बातों का जिक्र है, लेकिन एक एक करके। तब्बू भी उस फिल्म में थी जिस फिल्म की शूटिंग चल रही थी मरुस्थल में, और वहां रात का समय क्या कुछ होता है, सब कुछ बताने वाले हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। सोनाली बेंद्रे, ये भी मौजूद थी। मल्टीकास्ट फिल्म थी वो जिसकी शूटिंग चल रही थी, हर कोई मौजूद था, उसमें नीलम भी मौजूद थी। लेकिन चार रंगीन चेहरे बरी हो चले हैं। जो जेल में है वो जेल में है, जो बरी हो गए वो तुरंत लौटे आए, और जिस वक्त जेल जाने की स्थिति सलमान खान की आ रही थी तब तक ये लोग अपने अपने इलाके में पहुंच गए थे। इलाके का मतलब शायद मुंबई ही होता है। भारत, शुरुआत कहां से की जाए। शुरुआत हम करते हैं दरअसल, जब 201 पन्नों की रिपोर्ट को आप परखना शुरू करेंगे तो उसमें शुरुआत होती है क्या है क्या नहीं है, क्या था, क्या कुछ अभियोजन पक्ष ने रखा। हम आपको पहले एक तस्वीर दिखलाते हैं, इस तस्वीर के जरिए जरा देखने समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिनेमा और सियासत का एक नयाब चेहरा हम आज आपको अपने पूरे बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। बहरहाल तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश की जाए, एक तरफ सलमान खान, दूसरी तरफ ब्लैक हिरन, काला हिरन। जो लिखा गया है उसमें इस बात का जिक्र है सलमान खान के पास एयर राइफल .22 कैलिबर ये उसके मौजूद था। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, छर्रों के पैकेट थे जो मिले, जो अदालत में जिन बातों को पेश किया गया। इसके अलावे क्या था, एयर राइफल भी मौजूद थी। एयर राइफल के अलावे एयर राइफल में टेलीस्कोप लगा हुआ था, टेलीस्कोप का कवर भी था, टेलीस्कोप भी नजर थी, यानी पता था कि रात में दे जाना है, देखना टेलीस्कोप से। .22 रिवॉल्वर भी अभियोजन पक्ष ने रखी अदालत में, जिसका जिक्र किया गया फैसले में। .22 की राइफल भी रखी गई। ये एक स्थिति है एक तरफ, जिसके साथ पेंटेक्स का एक कैमरा भी है, यानी तस्वीर भी रात में ली जाए इसकी भी व्यवस्था की गई थी। बहरहाल दूसरी तरफ कृष्ण मृग की खाल मिली, कृष्ण मृग क्यों कहा जाता है यह भी बताएंगे। सिंह का बुरादा मिला, रक्त के धब्बे में लगा हुआ पत्थर मिला जो कृष्ण मृग का रक्त था, इस बात की पुष्टि हुई जांच में। मृग का मांस भी मिला, मृग की हड्डी भी मिली, और इसको हैदराबाद भेजा गया, जांच हुई, ये सारी चीजें निकल कर आई। तो इन स्थितियों के साथ ये सिनेमा की किसी स्क्रिप्ट में लिखा नहीं जाता है, सब कुछ अनस्क्रिप्टेड था उन कलाकारों के लिए जो अदालत की चौखट पर थे न्याय के मद्देनजर। सिनेमा में अक्सर 2.5 घंटे में पोएटिक जस्टिस यानी न्याय हो ही जाता है, लेकिन एक ऐसा फैसला आया है जिस फैसले ने उम्र 20 बरस, काले हिरण की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की होती है, और फैसला आया है 20 बरस में। इस 20 बरस में समूचा हिंदुस्तान ही तो बदल गया है। शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे बड़ी खबर, सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो यह पहली तस्वीर 12 अक्टूबर 1998 की है, जब देश ने पहली बार किसी सितारे को पहली बार टीवी कैमरे के सामने इस तरह जेल जाते हुए देखा था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनी। तो फिर देश को यकीन ही नहीं हुआ सलमान खान जेल जा सकते हैं। इस प्रकरण में अभियुक्त के खिलाफ धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आरोप थे और उसी में उसको सजा मिली। लेकिन सवाल
सजा का नहीं इंसाफ का है, क्योंकि साल दर साल घसीटता केस 20 बरस तक खिंच गया और अभी भी कहना मुश्किल है सलमान दोषी है या नहीं। और सच यह भी, इन 20 बरस में देश ही तो बदल गया। सिर्फ बॉलीवुड की ही बात कर लें, 1998 में बॉलीवुड इंडस्ट्री महज 6000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी और 2018 में 140 अरब रुपए की हो चुकी है। जी, 1998 ये वही साल है जब 10 मई को तत्कालीन सूचना मंत्री सुषमा स्वराज ने बिखरे फिल्म के धंधे को इंडस्ट्री कहा था, यानी इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। लेकिन 1998 से 2018 तक यकीनन सब कुछ बदल गया। देश की जो अर्थव्यवस्था 1998 में 28 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी, 2018 में बढ़कर 150 लाख करोड़ की हो चुकी है। दरअसल 20 बरस का अरसा बहुत होता है। जितने बरस से सलमान का एक अदद केस चल रहा है, उस दौर में एक पूरी पीढ़ी जमा हो गई। मसलन ये देखिए पीवी संधु, 20 बरस पहले की तस्वीर, महज 2 बरस की। और कल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का झंडा उठाए देश का प्रतिनिधित्व कर रही है पीवी संधु। वाकई 20 बरस में बहुत कुछ बदल गया। इन 20 बरस में देश ने वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया को ढहते हुए देखा, मनमोहन सिंह की सत्ता को घोटाले के कटघरे में खड़े होते हुए देखा और सत्ता के निपटते हुए देखा, मोदी के विकास तले हिंदुत्व के आभा मंडल की सियासी जुबा को भी समझा। और इन्हीं 20 बरस में हर किसी ने किसान मजदूर की बात की, इसे भी सुना। पर इन्हीं 20 बरस में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली। 20 बरस में देश ने तरक्की के कई नए आयाम भी देखे, अलबत्ता नहीं बदली तो सलमान के जेल जाने की ये तस्वीर। 20 बरस पहले भी जेल जा रहे थे और 20 बरस बाद भी जेल जा रहे हैं। इंसाफ की गारंटी कोई क्या ले सकता है? हो सकता है कल सेशंस कोर्ट में सलमान की जमानत पर सुनवाई हो, बहुत मुमकिन है जमानत मिल जाए। अदालत को हमने प्रयास ये किया था कि उस पर जमानत की सुनवाई आज ही कर लें। अदालत का ये कहना था कि उनका रूटीन ये है, प्रैक्टिस ये है कि आज केस रजिस्टर्ड होगा और नेक्स्ट डे उसकी सुनवाई होगी। तो सलमान को कल जमानत मिल सकती है, और नहीं मिलेगी तो सलमान ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, और यह भी तय है वहां से भी जमानत मिल सकती है। लेकिन इस अक्स में जरा देश के कैदियों का हाल देख लीजिए। देश के कैदियों का एक सच तो यह भी कि देश की जेलों में इस वक्त 2,80,000 से ज्यादा विचाराधीन कैदी बंद है। सिर्फ दिल्ली के तिहाड़ जेल में 250 से ज्यादा ऐसे कैदी जिनके पास जमानत देने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए वो जेल में बंद है, यानी रिहा हो चुके हैं फिर भी जेल में। देश की अलग अलग अदालतों में तकरीबन 2,80,00,000 केस पेंडिंग पड़े हैं, और इनसे जुड़े लोगों को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 8 करोड़ लोगों को इंसाफ का इंतजार है। यानी इस देश में इंसाफ कछुए की चाल चलता है, लेकिन कोई वीवीआईपी आ जाए तो फिर दौड़ भी लगाता है, खास तौर से तब जब मसला जमानत का हो। यानी जिस वक्त देश की निगाहें सलमान के दोषी होने या ना होने पर टिकी है, उस बीच सवाल उस न्याय तंत्र का भी है जिसमें तारीख पर तारीख का खेल चलता रहता है और आम गरीब को इंसाफ मिल नहीं पाता। लेकिन सलमान खान जैसे रईस एक पल में कोर्ट दर कोर्ट राहत के लिए पहुंच जाते हैं, तो इंतजार कीजिए कल का, क्योंकि 20 साल बाद भी इस केस के इंतजार में और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, इंतजार करना पड़ेगा। करोड़ों अरबों का खेल होते चले जाता है, रईसी अपने तरीके से इठलाती चली जाती है। मसलन सलमान खान 100 करोड़ कोई मायने नहीं रखते हैं। रिपोर्ट देखिए। काले हिरण उस टाइगर का शिकार कर लिया जिसकी पहचान करोड़पति दबंग के तौर पर है। उम्र 51 बरस की है और सलमान के दीवाने वही युवा जो मुफलिसी में है, फक्कड़ नशी है। सुल्तान सिर्फ 3 दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लेता है। प्रेम रतन धन पायो पर 200 करोड़ से ज्यादा बरसते हैं। बजरंगी भाईजान का कारोबार 600 करोड़ रुपए पार कर जाता है। और शायद सलमान की फितरत भी यही हो चली है और उनके जीने का अंदाज भी इसी अंदाज में बुलंद हो चला है। तो जेल जाते वक्त भी किसी फिल्मी अंदाज में ही सलमान के कदम बढ़े। कोई खौफ उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। जो बेजुबान है काला हिरण, बात उसकी कर ली जाए। उम्र मैक्सिमम 15 बरस होती है।
रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक विरासत के पन्नों को पलटे तो जिस काले हिरण की पूजा विश्नोई समाज करता है, उस काले हिरण का जिक्र हिंदू प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। काला हिरण भगवान कृष्ण का रथ खींचता नजर आता है। काले हिरण को वायु, सोम और चंद्र का वाहन भी माना जाता है, यानी संस्कृत की पौराणिक कथाओं में काले हिरण को दूत की तरह माना गया। इसीलिए काले हिरण को बचाने के लिए कड़े कानून का सहारा लिया गया, इसे शेड्यूल वन में रखा गया। इनकी तादाद भी तेजी से खत्म हो रही है और घटती तादाद को लेकर बड़ी चिंता 80 के दशक में जताई गई। पर इन हालातों के बावजूद 20 बरस पहले सलमान फिल्म शूटिंग के लिए राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में पहुंचे। आज जब फैसला आया तब सलमान की पहचान टाइगर जिंदा है की है, जहां वो नायक है, पर आज की तारीख में खलनायक है। एक दो पन्ने नहीं, 10 पन्ने नहीं, 201 पन्नों का ये पूरा का पूरा फैसला अदालत के जरिए दिया गया है। एक एक चीज का जिक्र किया गया है, उन सभी बातों का जिक्र करें, लेकिन पहले ये तस्वीरों को जरा समझ लीजिए। इन 5 तस्वीरों के आश्रय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सलमान खान जेल में है, और इसके अलावे सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम एक ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं, 4 छूट गए, 1 को जेल हो गए। उस फैसले में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हम आपको रिपोर्ट दिखलाते हैं। एयर राइफल .22 कैलिबर, छर्रों के पैकेट, एयर राइफल का टेलीस्कोप, .32 रिवॉल्वर, .22 राइफल, पेंटेक्स कैमरा, दूसरी तरफ कृष्ण मृग की खाल, सिंह का बुरादा, रक्त के धब्बे लगे हुए पत्थर, कृष्ण मृग का मांस, कृष्ण मृग की हड्डी। दरअसल ये वो आर्टिकल हैं जो साक्ष्य के तौर पर अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश किए गए। हालांकि फेरिस्त खासी लंबी है, पर ये प्रमुख है। और इन साक्ष्यों के आधार पर 2 बातें साफ है कि रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए गए फिल्मी सितारे हर तरीके से तैयार। 20 बरस पहले 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की रात किस तरह सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया, उसका पूरा जिक्र 201 पन्नों के फैसले में बताया गया है। जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपने आदेश में आखिर में लिखा, सलमान खान को धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अपराध में 5 वर्ष का साधारण कारावास और ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया जाता है। उन्होंने यह भी लिखा, जमानत मुचलके को निरस्त किया जाता है। आगे यह लिखा गया, गिरफ्तार कर सजा वारंट के साथ केंद्रीय कारागृह जोधपुर भेजा जाता है और जमानत के लिए अपील ऊंची अदालत में सलमान कर सकते हैं। सलमान खान का ब्लड प्रेशर हाई था, ये बात DIG जेल कह रहे हैं, उन्हीं की बात सुन लीजिए, उन्होंने क्या महसूस किया सलमान खान के साथ जब बैठे तब। अभी कपड़े सुबह दिए जाएंगे, अभी कपड़े दिए नहीं हमने, स्टोर से निकालने पड़ेंगे और उनके नाप भी देखनी पड़ेगी। नाप खाना खाया क्या दिया गया? खाना अभी तक नहीं खाया गया, बाकी उनको पत्ते गोभी की सब्जी और चने की दाल है वो दे दी गई है और चपातियां भी हैं, वो जब मन करेगा खा लेंगे। मेडिकल कराया? नहीं, मेडिकल करा लिया, 2 बार करा दिया क्योंकि आए जब थोड़ा सा BP हाई था जैसे सभी बंदियों का होता है, लेकिन अभी फिट है। अब के 4थी बार शायद जोधपुर जेल में है तो उनको ऐसा कोई ज्यादा अटपटा नहीं लगा, खासकर गीजर और उन्होंने कहा कि टॉयलेट में अच्छे कराना चाहता हूं तो आपको जो कराना हो मेरे को बता देना। और मुझे तो ऐसा लगा कि रफ्टप आदमी है, कोई ज्यादा असर नहीं है। सलमान के लिए आज प्रतिक्रिया उनकी भी आई जो सिनेमा छोड़ सियासत की राह पर आ गए, जरा सुनियो। फिल्म इंडस्ट्री ने इतना सारा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको नुकसान होगा। 20 साल बाद अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी हैं, मगर लॉ है, टेक्स इट्स ओन कोर्स, व्हाट कैन वन से। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सलमान एक बेहतरीन इंसान है जो लोगों के लिए किसी भी जात बिरादरी धर्म के लोगों के लिए वो खिदमत के लिए हमेशा तैयार है, तैयार रहता है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ABP News पर।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।